जायाधान किये कम कलम कदहे नीच निरंजन नान मऊ हे परमात्मन मे काम क्रोध आदि के त्याग के साथ ही शिव शब्द के वाक्य हो गया था परमात्मा देखने में आता कि जम्मुनि लहै अनंत सुहो निपाध्यायन तं सुह इंदु विन विदहै देवी ओडित करोड़ों देवियों के साथ रममान होने वाला वह इंद्र भी उस प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार का सुख मुनि महाराज अपने आत्मा की ध्यान करते समय प्राप्त करते हैं। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र कहें नाही कर दुनिया चकित हो जाएगी इस गाथा को पढ़कर कि आत्म ध्यान करने वाले योगी मुनि को जितना सुख का लाभ होता है उतना सुख का लाभ करोड़ों देवियों के साथ आनंद वैभव के साथ रमने वाला वह इंद्र भी प्राप्त नहीं कर सुख का लाभ होता है उतना सुख का लाभ करोड़ों देवियों के साथ आनंद वैभव के साथ रमने वाला वह इंद्र भी प्राप्त नहीं कर सकता। जम मुनि तपोदन लभते अनंत सुखम इस अनंत सुख को मुनि तपो तपस्वी प्राप्त करता किम कुर्वन सन निजात्मान ध्यायन अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ तमसो तत्पूर्वोक्तम सुखम इंद्रोपि नैव लभते। अब देखो जब स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में व्याख्यान किया जा रहा है छठाला में तो वह इंद्र जो होता है सम्यक दृष्टि होता है अवधि ज्ञानी होता है पंच कल्याण कराने वाला होता है करोड़ों के अप्सराए आदि आदि उनके साथ रहते हैं उनको भी ये सुख का लाभ नहीं होता और उनको कोई खाने पीने इत्यादि की चिंता नहीं होती परिग्रह नहीं मिला हमारे भवन नहीं हुआ ये नहीं हुआ ऐसे ऐसे कुछ नहीं किसी के लड़ाई झगड़ा तो कोई बात ही नहीं वहां पर करोड़ों की संपदा और वहां पर हमेशा हमेशा बने रहते हैं कोई किसी का अभाव नहीं रहता फिर भी उसको नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता ऐसा मिल ही नहीं सकता। निजात्मान ध्यायन सन निज आत्मा का ध्यान करता हुआ तत्पूर्व सुखम इंद्रो पिने लगते किम कुर्वन सन देवी नाम कोटिम रमयन अनुभव नब्बे करोड़ों करोड़ों देवी के साथ रममान होता हुआ भी अय मत तात्पर्य बाया गंतर परिग्रह रहित स्वशुद्धात्म तत्व भावनोत्पन्न वीतराग परमानंद सहित मुनि यत् सुखम लभते तत् देवेन्द्र आदय भी न लभते। बाय और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग किसने किया है स्वशुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानंद है उससे सहित हुआ है इसलिए मुनि को जो सुख का लाभ मिलता वह इंद्र को भी नहीं मिलता। उक्तम दैमाने जगत्यस्मिन् महता मोहवन्निना विमुक्त विषया संगा सुखायन्ते तपोधनाः। ये अस्मिन् जगति मोहवन्निना महता दैमाने देखो मार्गी की बात है कोई मुनि महाराज संसार की स्थिति को पहले समझ लेते मोह रूपी अग्नि के द्वारा संसार को मान जलता हुआ देख करके ही विमुक्त विषया संगा विषय और कषाय परिग्रह आरंभ इत्यादि से मुक्ति पा लेते पहले कौन मुनि महाराज इसलिए तत्पोधना थे सुखायते सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं। सुख यदि चाहते हो संसार को देखो संसार ये जल रहा मोह रूपी अग्नि के द्वारा इसको जो देखेगा
वैराग्य आए बिना रह नहीं सकता, और इसको देखने के उपरांत भी वैराग्य की बात नहीं करता रहा तो उसको उसने देखा ही नहीं उस दृष्टि से। विषय विमुक्त विषय आशंका यह हेतु आते माना जाता। मोह रूपी अग्नि के द्वारा इस संसार को जलते हुए देख करके ही जिन्होंने विमुक्त विषय आशंका छोड़ दिया विषय और संग परिग्रह को जिन्हें ऐसे तपोधना सुखायते सुखी होते हैं हेतु आचक माना जाता। अपादं सनि जिन वर जम सो अणम तम सोलाय विराव देव जानंतो शिव संग। क्या कहते हैं देखो, जिनवराणाम आत्म दर्शन है, जिन भगवान को आत्मा के दर्शन होने पर जो सुख का अनुभव होता आनंद सुख का, उसी प्रकार का सुख वीतरागी एक जीव भी प्राप्त कर लेता है जो कि मुनि अवस्था में रहता। तम शिवम शांतम जानन जीव अभी विराग सुखम लगते। अपा निःशुद्ध आत्म दर्शनी छत्मस्तवस्थायाम जिनवराणाम यत् सुखम भवति अनंतम। छत्मस्तवस्था में निःशुद्ध आत्मा के दर्शन करते समय जैसे जिनवरों को सुख का अनुभव होता अनंत का, छत्मस्तवस्था और अनंत कैसे, तत्सु पूर्वोक्त सुखम लहे लभते को असो वीतराग भावना परिणत जीव अपि। हाँ ये भी क्यों कह सकते हैं ना, वही अनंत फिर भी नहीं बनता कैसे सब ठीक है, लेकिन अनंत सुख कैसे। अनंत सुख का अनुभव नहीं होता, उसी को अनंत कह दो। हाँ यूं कह दो ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम जमा देंगे। दो प्रकार का सुख होता है, एक विषय सुख एक आत्मिक सुख। आत्मिक सुख अनंत माना जाता, विषय सुख शांत माना जाता। कर्म पर्वते शांते दुखैरंतरितो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांशना स्मृता। कथम भूते सुखे वैसे सुखे, वैसे एक सुख है दुख ही अंतरित हो दे, दुख से घुला हुआ है। कर्म पर बसे कर्म के ऊपर आधारित है, शांति इन्हें अंत को प्राप्त होने वाला है इंद्रियादि ने, किंतु छत्मस्थ अवस्था में होते हुए भी इंद्रियादि नहीं था इसलिए वह शांत नहीं था। आत्मिक सुख है इसलिए अनंत सुख को देने वाला जो होता है वह भी आत्मिक सुख अनंत का कारण होने से छत्मस्थ अवस्था भी अनंतम होती था है, नष्ट नहीं होता। ऐसे सुख को देने वाला है इस अपिचस्व अनंत और शांत, क्योंकि इसलिए था इंद्रियादि नहीं था, आत्मा से उत्पन्न हुआ इसलिए अनंत, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। इंद्रियों का सुख जो है सीमित होता और वह आत्मिक सुख तो अनंत अपार। तस्मात् कारणात् तदपि चतुर्मस अवस्थायां सुखम अनंतमिति गच्छते उचितम् एव। तत्पूर्वोक्त सुखम लभते कोसौ वीतराग भावना परिणत जीव। उसी प्रकार एक जिनवर नहीं होते हुए विराग दशा में मुनि पहुंच जाता है उसको भी आत्मिक सुख ही प्राप्त होता है। जानन तो जानन अनुभवन सन किसको, शिव शब्द वाचम निजात्म स्वरूप भावम। शिव शब्द के वाचभूत निःशुद्धात्म स्वभाव है उसका। कथम भूतम तत् शांतम रागादि विभाव रहितम, रागादि के विभाव भावना से रहित है अयम अत्र तात्पर्य। दीक्षा काले शिव शब्द वाच स्वशुद्धात्मा अनुभवने यत् सुखम भवति। दीक्षा के काल में शिव शब्द के वाचभूत जो शुद्धात्मा है उसके अनुभव में जो सुख प्राप्त होता है। जिनवराणाम वीतराग निर्विकल्प समाज रत जीव तत् सुखम लभते।
जिन वर्णों को जो प्राप्त होता है वही वीतराग निर्विकल्प समाधि में रत जीव को भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मतलब ये इसलिए कहा कि हम तुम के लिए तो हम ये कह दे ऐसा नहीं, छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकरों को भी जो कुछ हो जाता है वह आत्मिक सुख ही तो प्राप्त होता है, उनको उदाहरण के रूप में रख करके कि यहाँ पर हम लोगों को समझाया गया कि हम नहीं माने। कैसे कैसे नहीं माने, तुम्हारे जैसे उन्होंने भी दीक्षा ली थी और उस समय उनको आनंद हुआ था, इसी की परंपरा यहाँ पर चला रहे हैं। उदाहरण तो देना आवश्यक होता है ना, सर्वप्रथम दीक्षित हो जाते हैं जिनेन्द्र भगवान, फिर हम लोग उनके अनुकरण करते हैं, इसलिए उनको भी दीक्षा के काल में निर्विकल्प समाधि में जो सुख प्राप्त हुआ था वही सुख सामान्य कोई मुनि है उनको भी प्राप्त होता है, इसमें कोई दोबारा नहीं। लेकिन शर्त यह है कि निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए। उससे पहले ये कह रहे हैं, उससे पहले कोई तीर्थंकर कह करके घर में करने लग जाए, जैसे आज लहर चल रही है तुम लोगों की, इसलिए कहा जा रहा है कि दीक्षा से पहले जो थे वो भगवान जिनवर उनको जिन तो कहते ही थे, लेकिन पंच कल्याणकों में जब दीक्षा कल्याण होता उस समय जो अनंत सुख का अनुभव होता है उस प्रकार का कहीं सुख संसार दशा में नहीं होता था उनको। हाँ, दीक्षा विमुख को भी नहीं, जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक हम नहीं मानेंगे। हाँ, मतलब आरंभ और परिग्रह से रहित होना अनिवार्य है, इसलिए दीक्षा का काल उन्होंने लिया और उदाहरण दिया है तीर्थंकरों को या जिन्हें जो। हाँ हाँ, उन्होंने भी क्यों कब प्राप्त किया, दीक्षा ली तब। उसी प्रकार आज जो दीक्षित है उनके लिए भी कह रहे हैं तुमने दीक्षा तो ले ली लेकिन अनंत सुख का आनंद अनुभव नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें मत करो, ऐसे कह देते। देखो तीर्थंकरों को, देखो जिनवरों को कैसे उन्होंने सुख को प्राप्त किया था। हाँ, उस वक्त का मतलब, अरे दीक्षा था, दीक्षा जो ही धारण कर लेते हैं उसी समय से वीतराग निर्विकल्प दशा प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाते, उसके बिना नहीं होती। कहीं निकार दिए लेते लेते नहीं है, लेते लेते नहीं। हाँ हाँ, ग्रास तोड़ते तोड़ते सुख का अनुभव नहीं होता, ग्रास खाने से अनुभव होता, लेकिन फिर भी भोजन के बिना सुख नहीं, ऐसा कहा जाता है। दीक्षा से पहले नहीं सोचना। हाँ, जो क्रोधादि परिहार के साथ ही शिव शब्द वाच जो परमात्मा उसका दर्शन हो सकता है, इस प्रकार मन में अभिप्राय धारण करके मानो आगे का सूत्र कहा जा रहा है। जो नियम निर्मल पर अंबर निर्मल गण रहिए भानु देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार का उदाहरण पहले भी आया था। हे योगिन, निज मन से कथम भूते निर्मले परम नियमेन दृश्यते कोऽसौ कर्मतापन्न शिव शब्द वाच्य निज परमात्मा। राग से रहित शिव शब्द के वाच्यभूत निज परमात्मा उस समय देखने के लिए मिलता है निज मन में। हे योगी, जब मन वह निर्मल होता है, शांत होता है, विकार से रहित होता है। दृष्टांतमा अंबरे आकाशे, आकाश कैसा है, निर्मले, कैसा का निर्मल है, घन रहित है, मेघों से रहित है। उस समय क्या दिखने में आ जाता, भानुरिव जैसे प्रभाकर, व्यभ्रे यथा वियति दीप्त रुचिर विवस्वान, विवस्वान को अर्थ सूर्य प्रभा मंडल, व्यभ्रे यथा दीप्त वियति दीप्त विवस्वान, वियति मैंने वियत आकाश, विहायस बोलते विहायसे, वियत वियत मैंने आकाश में, वियति कथम भूते वियति व्यभ्रे विगत अभ्रपटलानी यत्र इति व्यभ्रे, अभ्र बोलते हैं मेघ पटल को, वी बोलते हैं रहित को,
मेघ पटल से रहित व्यति जिस प्रकार विवस्वा सूर्य प्रकाश को प्राप्त होता सही है। व्यप्री यथा व्यति दीप्त रुचिर्विवस्वा यस्मान मुनीन्द्र तवलोक पिता महात्या, ये कहां पर आया? प्रकाश को प्राप्त होता सही है। व्यप्री यथा व्यति दीप्त रुचिर्विवस्वा यस्मान मुनीन्द्र तवलोक पिता महात्या, ये कहां पर आया? कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते समय स्वामी समंत रुद्र महाराज जी ने इस पंक्ति को लिखी है। प्रश्न तिल का छंद है। एकांत शब्द आ जाता है तो प्रतिदिन पढ़ने वालों को वह शब्द अपने आप आना चाहिए। हमारा ये कहना है कि बीच बीच में कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी शब्द आ जाता है स्वयं सूत्र भी लंबा चौड़ा है भक्तामर भी है, उनमें से एकांत शब्द को लेकर के अपने आप ही जो है अर्थ सामने आना चाहिए। मतलब हाँ हाँ, उनसे पहले परिग्रह और आरंभ सारंभ था इसलिए पहले नहीं होता, इसके यह व्याप्ति बनाने के लिए बताने के लिए दीक्षा काल को इंगित किया। हाँ हाँ जी ठीक है, दीक्षा के बिना वह नहीं होता कहने का मतलब यह है। हाँ दीक्षा काल का अर्थ यही है कि परिग्रह और आरंभ से रहित, ये कहा जो मतलब दीक्षा काल का अर्थ दीक्षा ले रहे हैं उस काल में नहीं, उससे पहले नहीं, इसका अर्थ यह है। किससे पहले? दीक्षा से पहले नहीं था। दीक्षा दीक्षायाम ये नहीं समझे, जात्याम सत्याम यूं कह सकते हैं, दीक्षा होने पर ऐसा इसका परिग्रह और आरंभ के साथ इसकी व्याप्ति नहीं है। पहले कह करके आए हैं विमुक्त विषया संगा, क्यों कहा? छोड़ दिया है विषय और आसंग, मैंने परिग्रह जिसने ऐसे काल में जिस प्रकार निर्विकल्प समाधि रत हो जाता है वह जीव को भी होता है। निर्विकल्प दशा में कह रहे हैं लेकिन दीक्षा लिए बिना निर्विकल्प दशा नहीं होती, यही इसकी व्याप्ति है। हाँ ऐसा नहीं हाँ यूं कह सकते हैं कि उनकी निर्विकल्प दशा बहुत जल्दी होती है, हम लोगों की देर भली लग जाए, लेकिन दीक्षा का अर्थ यहाँ पर यही है कि आरंभ और परिग्रह अभी छोड़ रहे हैं और निर्विकल्प दशा हो गई, ऐसी बात नहीं। जहां ऐसे यदि हो जाते तो फिर कहना ही क्या, ऐसा नहीं। वह तत्व सप्तम अनुष्ठान में लेकिन वह निर्विकल्प दशा जो है ना गुप्त इत्यादि के काल में, दीक्षा लेते समय तो सप्तम अनुष्ठान होता, प्रवृत्ति का काल रहता है। ये कहा जा रहा है कि जैसे परिग्रह और अभिषेक कषायों से वह दूर हो जाते हैं उसके बिना नहीं, पहले तो उनके पास पूर्ण ज्ञान वगैरह भी था लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए गगन रहे थे कैव भानुरेव किम कुरुवन सन पुरन प्रकाशमान होता। अयमत्र तात्पर्य अर्थ है, क्या तात्पर्य? यथा घन घटा टूप विघटने, वाह देखो साई, जैसे घन घटा टूप विघटने, घटा तो बोलते हैं ना कि घनों के काले बादल हैं, घन घटा घटाएं और टूप घटा टूप विघटने, उनका विघटन होने पर निर्मल आकाश में दिनकर प्रकाश से दिनकर प्रकाशमान हो जाता। उसी प्रकार शुद्धात्मानुभूति प्रतिपक्ष भूताना, शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्ष भूत जो काम क्रोध आदि विकल्प रूप घनाना विनाशे सती, काम है क्रोध है विकल्प है जाल है धनों के नाश होने पर निर्मल चित्ताकाश है, निर्मल चित्त के आकाश में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण कर कलित केवल ज्ञान आदि अनंत गुण ही हो गए कर मैंने किरण है, कलित मैंने उससे युक्त होता हुआ निःशुद्धात्मा ही आदित्य मैंने प्रभाकर प्रकाशन प्रवृत्ति प्रकाश करता है। यथा मलिने दर्पणे रूपम न दृश्यते, जैसे मलिन दर्पण में अपना रूप दिखता नहीं तथा राग आदि मलिन चित्ते शुद्धात्म रूपम न दृश्यते इति निरूपयते। उसी प्रकार
रागादि मल से युक्त चित्त में अपने शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, यह कहा जा रहा है। राये रंगी वड़े पणि मैलय बिंबुजिम एह उजानि निभं। ये राग से जो युक्त होगा हृदय, कभी भी शांत भगवान का दर्शन उसमें नहीं हो सकता। जैसे दर्पण मलिन हो जाए तो उसमें कोई भी दर्पण देख ले उसका मुख प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। जैसे चश्मा लगाते हैं कोई कोई, और चश्मा के ऊपर मान लीजिए धूल चिपक जाती है तो क्या होता, निकाल लेते हैं और कपड़े से उसको पोंछ लेते हैं, फिर बाद में लगा लेते हैं। और मान लीजिए कभी कभी वह धूल तो नहीं है किंतु पानी गिर रहे, फिर क्या करते हैं उसको भी पहुंच लेते हैं, क्योंकि पानी के द्वारा भी वह धुंधला धुंधला लगने लग जाता है। उसी प्रकार यदि आत्मा नहीं दिखता तो ये ध्यान रखने में चाहिए हम अपनी दृष्टि में अभी विकार रख रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी उसी चश्मा से हम देखना प्रयास करने का अर्थ क्या होता, या तो कपड़ा नहीं पहुंचने के लिए, या तो उसको मान ही नहीं रहे, या तो उसके कारण यूं कह दो कि अपनी दृष्टि में तो कमी आ गई अब तो दिखता नहीं, ऐसे मानो। ये नहीं, चश्मा साफ कर लो, आंख थोड़ा मल लो, आंख मलते हैं कि नहीं, आंख में कुछ जज चली जाए कहीं पानी आ जाए तो साफ कर लो उसको, फिर बाद में लगा लो ठीक हो जाए। उसी प्रकार यदि भीतर नहीं दिखता है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना, दिखता नहीं, कई बार हमने प्रयास किया कि क्यों नहीं दिखता, ये सोच लेना चाहिए कुछ न कुछ तो कमी होगी, नहीं है ही नहीं वो इसलिए नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं। अपनी आंख में आई हुई ललाई अपने को नहीं दिखती है, इसी मुख माटी ये कुछ लिखने में विकल्प में इसमें लिखा है कि अब देखो अपनी लड़ाई आंखों की किसी को नहीं दिखती, तो उसी अपने दोष देखने के लिए निर्विकल्प समाधि के अलावा और कोई भी है ही नहीं। जो अपने आप के दोष को पकड़ने के सामर्थ्य रखता है वह बहुत ही साधक पहुंचा हुआ माना जा सकता है। देखो दुनिया में दंड संहिता दूसरे के लिए है, स्वयं दंड देने वाला एकमात्र वही है, या तो राजा या तो मुनि महाराजा। हाँ, मुनि महाराज दंड मांग लेता है, और उसी प्रकार अपनी कोई गलती हो गई तो राजा भी अपने आप को दंडित कर लेता, अपना लड़का भी होगा तो उसके लिए उतना ही न्याय दे देता। बहुत कम ऐसे राजा मिलते हैं और बहुत कम ऐसे मुनि मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा, मुनि जितने भी होंगे अपने आप ही तीन बार प्रतिक्रम करेंगे, कहने से नहीं, घंटी नहीं भी बजी तो भी प्रतिक्रम करते हैं कि नहीं आप लोग बजने दो, बजने तो इकट्ठा कोई बजा दे शाम का और सुबह का तो एक ही बार करोगे क्या, ऐसा नहीं, अपने समय पर जो है वो करेगा प्रतिक्रमण, दोष लगे हैं क्या नहीं अपनी निगरानी रखेगा तभी वह निर्दोष बन सकेगा, नहीं तो जो दंड देते हैं या प्रतिक्रम कराते हैं उनके द्वारा तो वो तो वहां पर बैठे हैं, कैसे जानेंगे वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने तरफ से कुछ कहेंगे नहीं। तो जो अपने दोषों को समझने का प्रयास करता और समझ लेता है, समझ लेना, वह निश्चित रूप से अपने दोषों को निकाल देगा, दोष को दोष उसको समझ में आ गया और दोष को निर्दोष बनाना है बस साफ कर लेगा। रागेन रंजते हृदय देवन दिशई देवन दृश्यते किम विशिष्ट संतो शांतो रागादिरहित रागादि से रहित शांत अपना देव कभी भी देखने में नहीं आता। दृष्टांतमान दर्पणे मलिने
बिंबम यथा एव एतद् जानी जानी ही प्रभा। जैसे दर्पण मलिन दर्पण में अपना बिंब कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता, निर्भयांत में तो अयमत्र अभिप्राय यथा मेघ पटल प्रच्छादितो विद्यमानो अपि सहस्र करोड़ न दृश्यते। मेघों से पटलों से ढक गया आसमान, जैसे बाहर दिख रहा है, क्या दिख रहा आपको? सूर्य प्रकाश नहीं, उसी प्रकार तथा केवल ज्ञान किरण ही लोकालोक प्रकाश का अपी, केवल ज्ञान आदि किरणों के द्वारा लोक और अलोक को प्रकाशन करने वाला आत्मा विद्यमान है भीतर, फिर भी काम क्रोध आदि विकल्प मेघ प्रच्छादित संदेह मध्य शक्ति रूपेण विद्यमान अभी निशुद्ध आत्मा जिन करो न दृश्यते। काम है, क्रोध है, विकल्प है, इनसे मेघ से आच्छादित होता हुआ अपने देह में शक्ति के रूप में विद्यमान जो परमात्मा है, वह दिनकर नहीं देखने में मिलता है। हम दूसरे के दिनकर को देखना चाहते हैं, सोचो विचार करो, अपने दिनकर तो दिख नहीं रहा है, और दूसरे के मन की या दूसरे की आत्मा की बात हम करना चाहते, तुम्हारे मन में क्या है बता देंगे हम? ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे, अपने भीतर की बात नहीं समझ रहा और दूसरे की बात कर, कैसे है ये? बड़ा विचित्र। वह इसीलिए कि उसको कुछ अपना दिखता ही नहीं, और उसमें भी सही क्या है ये तो निर्णय तो हो नहीं सकता, और फिर भी निर्णय दे देता तो कितना इसका बड़ा साहस है, हाँ? बाहर का ही साहस, इतना बाहरी तत्व जो कि दूसरे तत्व है वह उसका महसूस तो किया नहीं गया, फिर भी उसको देखा नहीं गया, फिर भी निर्णय कर लेता कि ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा सब उपचार है इसका। अठानंतरम विषयासक्ता नाम परमात्मा न दृश्यते। देखो ये पॉइंट कैसे है, विषयों में जो आसक्त हैं, विषय कितने हैं? कितने हैं? पांच इंद्रिय हैं और एक मन है, 28 मूल गुणों के धारक संसारी प्राणी संगी पंचेंद्रिय होता। आप संगी पंचेंद्रिय है क्या? नहीं है। 28 मूल गुण आपके पास है, हमने सोचा था 28 मूल गुण मर्द मुनि महाराज इनके पास है, नहीं आपके पास है। संसार का निर्माण भी 28 मूल गुणों के द्वारा होता है, और मुक्ति के मार्ग भी 28 मूल गुणों के द्वारा ही प्रारंभ होता। ये कैसी बात? बिल्कुल ठीक। आप मोक्ष मार्ग 28 मूल गुणों के बिना निस्तार नहीं है, ध्यान रखना। मूल गुणों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? वो कैसे छुड़ाते हैं? देखो, पांच इंद्रिय के विषय है, स्पर्श इंद्रिय के कितने विषय है? 8। रस इंद्रिय के कितने हैं? 5। 8 और 5 घ्राण इंद्र के 2, 13 और 2 15। फिर इसके उपरांत चक्षु इंद्र के 5, 20 हो गए। फिर इसके उपरांत कर्ण के सारे गामा पतने 7, 20 और 7 27। मन का एक सामान ले लो, वाह, 28 मूल गुण के धारक हो संसार। अब देखो 8 मूल गुण के धारक हम बता देंगे, 28 तो ये तो सुनो पहले, दीक्षा कब हुई? अनंत काल से हुई है। 8 मूल गुण तो पालन करते ही है, ये अष्ट मूल गुण ये बालकों के है, और ये बालकों की है 28 मूल गुण। बालकों के कैसे? 8 मूल गुण है, स्पर्श इंद्रिय रहता है निगोद में या एक इंद्रिय में, उसके कितने हो गए विषय? 8। बस 8 मूल गुण है, 8 मूल गुण को धारण करेगा तो निगोद में वह हमेशा बना रहेगा या एक इंद्रिय। अब पालक हो जाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएंगे, 28 मूल गुण हो जाएंगे, जैसे जैसे इंद्रिय का विकास हो जाएगा वैसे वैसे बड़े हो गए आप लोग, है? हाँ, उनके 8 मूल गुण अलग है, है? इसमें क्या बात है भाई? तो कम से कम 8 मूल गुण, कम से कम 28 मूल गुण, यहां पर दर्शन प्रतिमाया इत्यादि से सम्य दर्शन आ जाता है तो 8 मूल गुण धारण कर लेते हैं बालकों के लिए। महाराज इसको जैनी बना दो, अच्छी बात है, जैनी बना, और तुम्हें है? तुम्हें क्या बनाया महाराज? नाम धार दो इसको,
अच्छा क्या धर दो? खूब प्राण धर दो। कैसा वैचित्र है ये बताए। विषय आसक्त मनुष्य के लिए परमात्मा का दर्शन संभव नहीं। जसु हरि नच्छियवड़ये ससु न विपम्बुविया कहि केम समन्ति वेखंडा बढ़िया। क्या कह रहे? क्या दो दो उदाहरण है। हरिन जस्सु हरिन थी ही बढ़िए, मतलब ये कोई पुरुष है और वह किसी स्त्री के बारे में विचार मग्न है, उसका मन उसके उसमें अटका हुआ है, रूपवती कोई स्त्री के बारे में। तसु नहीं बम को भी यार, उसके लिए ब्रह्मा आत्मा पाप और पुण्य के बारे में कोई विचार नहीं हो सकता। मदांत जिसको बोलते हैं, विषयांत जिसको बोलते हैं, एक ही केम संबंध, एक ही तलवार में, एक ही मैन में दो तलवार कैसे, दो तलवार कैसे रह सकते। उसी प्रकार ब्रह्म का उपासना और विषयों की वासना दोनों एक साथ तीन काल में संभव नहीं हो सकते, दो नहीं काम हो सकते। यस्य पुरुषस्य ऋणाक्षी स्त्री ही वड़े हृदय वसते, जिसकी जिस पुरुष की हृदय में अपने पत्नी के प्रति हमेशा लोभ लालच बना रहता है, तस् को असौ बम ब्रह्म शब्द वाचो निज परमात्मा एवं विचारये हे प्रभाकर भट्ट न। उसके हृदय में कभी ब्रह्म शब्द के वाच्यभूत जो निज परमात्मा कभी भी विचार में आ ही नहीं सकता है। पुष्पडाल की कथा इसमें प्रसिद्ध है। छह डाल की अपेक्षा से पुष्पडाल की पढ़ाओ, नहीं समझे एकदम कथा समझ में आ जाए। पुष्पडाल की कथा, पुष्पडाल के वो दो तीन दिन क्या हो गए थे बताते, शादी हो गई थी और वो कानी स्त्री थी। ये कहानी हो गई, कहानी थी है? काली भी थी, कहानी भी थी और मुख पर माता की निशानी थी है? मुख पर जो है माता की निशानी थी, माता का मतलब चकदान, मुख पर माता की निशानी थी, काली थी, अनकानी थी और लंगड़ानी थी। ऐसे पुष्पडाल की पत्नी को भी पुष्पडाल नहीं छोड़ सका, 12 साल निकाल लिया क्यों? और उसके लिए चेलना को और विशेष रूप से परिश्रम करना पड़ा। कहाँ थी आराधना कथा कुछ में देख लें? नहीं, आराधना कथा कुछ में है, हमने पढ़ी कथा। ये कथा तो हमें उसी के वरदान है। हाँ आया है, आया ऐसी प्रकार। किस प्रकार की? नहीं, कुरूपिनी थी। अब कुरूपिनी की बताएंगे, अब कैसे कथा बताएं? क्या सुन रहे हैं? ठीक है, कथा कोई भी सुने, वैराग्य के लिए कारण है। ठीक ठीक है। हाँ, कश्मीर सम्यक इवि माते सम्यक अवकाशम दृष्टांतमा न लभते वे खंडा दो खडगौ असी, दो खडग दो तलवार एक मैन में जिस प्रकार नहीं रह सकते उसी प्रकार वासना से अभिभूत चित्त और उसमें पर ब्रह्म का दर्शन तीन काल में संभव नहीं है। को अधिकरण भूते पड़ियारी प्रतिकारे को शब्द वाच्य इति,
प्रतिकार का ये इन्होंने शब्दार्थ क्वेश्चन मार्क रखा, जिसको कोश शब्द बोलते, जिनेन्द्र कोशा देव खट गया। देखो वो शब्द कैसे है, अपनी आंख वहां पर ले जाना चाहिए। जो पहले हम क्या करते थे, एक अक्षर आया अंत में या एक शब्द आ गया, उस शब्द को लेकर के कविता। अब इसी प्रकार ढूंढो, कोश कहते हैं जिनेन्द्र कोशा दिव खट गयत तव प्रसादेन मास सकते। ये निश्चित होना चाहिए, ये भगवान है अंताक्षरे और अंत शब्द, ये भी होता है। अंत में एक शब्द दे करके कर लुट जाओ। तो कोश, शरीर को कोश माना और आत्मा को खड्ग की उपमा दी गई है। तो एक खड्ग, दो खड्ग एक आत्मा में नहीं रह सकते। कोश शब्द वाचय थे तथा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि संजात अनाकुलत्व लक्षण परमानंद सुखामृत प्रतिबंधक आकुलत्वोत्पादक। वीतराग, राग से रहित, निर्विकल्प विकल्प से रहित, परम समाधि से उत्पन्न अनाकुलत्व लक्षण जो परमानंद सुख अमृत, उसके प्रतिबंधक जो आकुलत्व को पैदा करने वाले कौन, स्त्री रूप अवलोकन चिंतादि समुत्पन्न हाव भाव विभ्रम विलास विकल्प जालैर मूर्छिते वासिते रंजिते परिणते चित्ते। वाह, स्त्रियों के सुंदर सुंदर रूप के अवलोकन, उनके बारे में चिंता आदि से उत्पन्न हाव भाव विभ्रम आदि आदि विकल्प जालों से जिसका चित्त मूर्छित हो जाता है, सुवासित मैंने गंजित हो जाता है, रंजित हो जाता है, परिणत हो जाता है, उस चित्त में एक अस्मिन पुनः आया प्रत्याश खड्गद्वयवत। खड्गद्व इसके समान पर ब्रह्म शब्द वाच्य निज शुद्धात्मा, पर ब्रह्म शब्द वाच्य हो तो निजी शुद्धात्मा वह कथम अवकाश हम लगते किसी भी प्रकार से नहीं। हाव भाव ब्रह्म विलास लक्षणम कथित थे। हाव किसको बोलते हैं, भाव किसको बोलते हैं आदि आदि ये भी बताओ। तो एक श्लोक दिया जा रहा, हावो मुख विकारस्या भावत चित्तोत्तबुच्यते विलासो नेत्रजोगेयो विभ्रमो भ्रूयुगान्तयो। मुख का विकार पूरा हाव माना जाता है और भाव चित्त से उत्पन्न हुआ परिणाम माना जाता है। विलास नेत्र से उत्पन्न हुआ है, मतलब आंखों में चमकार इत्यादि का कटाक्ष इत्यादि आ जाना, यह नेत्र का विलास माना जाता है। और विभ्रम प्रकृतियों में, दोनों प्रकृतियों के बीच में एक प्रकार से ऐंठन आदि आ जाते हैं, ये सब विभ्रम। हाव भाव विलास विभ्रम, ये आंखों की परिणतियां मन की परिणतियां मानी जाती है। प्रथमे जायते चिंता, द्वितीय दृष्टमुच्यते, तृतीय दीर्घ निश्वास, चतुर्थे भजते ज्वरम, पंचमे दयते गात्रम, षष्ठम भुक्तम न रोचते, सप्तमे शात महामूर्छा उन्मतत्वमथाष्टमे, नवमे शात प्राण संदेहो, दसमे मुच्यते सुवे। इति ज्ञानार्णव की चार पंक्तियां हैं, चार कारिकाएं हैं। नैनागिरी में की गई थी, यहीं पर की गई थी, यहीं पर कुंडलपुर में ही किया, उससे पहले भी किया गया था, तीन चार बार पढ़ लिया इसलिए याद हो गए हैं। ये यात्रा है उसकी, काम के ये वेग माने जाते हैं, दस प्रकार के काम के वेग। पहले देखने की इच्छा होती अपने अपने विषयों को, फिर नहीं, प्रथमे जायते चिंता, पहले चिंता उत्पन्न हो जाती है, दूसरे में वह देखने की इच्छा करता है,
तीसरे में दीर्घ श्वास छोड़ने लग जाता है, चौथे में वह बने कहते नहीं गा सकते भुक्तम न रोचते, चौथे में खाया हुआ रुचता नहीं, फिर पंचम में वह दहिते गात्रम सारा शरीर नहीं दहिते मैंने जलने लग जाता है, और छठे में वह चतुर्थे भजते ज्वरम पंचमे शास दहिते गात्रम षष्ठम भुक्तम न छठा जो है भोगा हुआ खाया हुआ रुचता नहीं अच्छा नहीं लगता, और सप्तम में महामूर्छा आ जाती है, अष्टम में पागलपन हो जाता आ जाता है बड़बड़ाने लग जाता है, फिर नवम में प्राण का संदेह हो जाता है, दसवा ये हो जाता है तो वह यात्रा पूर्ण हो जाती है, है? और ये तो ही वेगे समाक्रांता तत्वम कदापि न दृश्यते, ये तो निश्चित ही है कि जब दसवा चला ही गया है इन भावों के साथ रहने वाला व्यक्ति इनमें से एक आदमी हो जाता है तो निश्चित रूप से वह अपने तत्व को जान नहीं सकता है, इसलिए पांच इंद्रिय के विषय से दूर रहना अनिवार्य है।